हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमन क्रिएशन टैग के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। देखो, फेसबुक का क्राइटेरिया और यूट्यूब का क्राइटेरिया है ना, सब लोग बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ आज इंस्टाग्राम का क्राइटेरिया क्या होता है और कब उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो रैंडमली पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है ना, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने ये सर्च करा तो क्या आया है, ये कह रहा है एक तो तुम्हारा प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बल्कि वो तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। हैव ए प्रोफेशनल अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम विद एट लीस्ट 10,000 फॉलोअर, ठीक है, ये कह रहा है कम से कम तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। अब उसकी अर्निंग जो होती है वो कैसे होती है, यूट्यूब पैसा देता है, वो एड का ही देता है। कोई कंपनी आई और उस कंपनी ने हमें कोई प्रोडक्ट दिया, ठीक है। सपोज करो मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, रील ही बनती है, वीडियो कोई ज़्यादा देखता ही नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो एक कंपनी आई सैमसंग, एक कंपनी आई वन प्लस, उन्होंने देखा कि भाई इनके फॉलोअर्स तो सही हैं, 10,000 के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं, तो इनके व्यूज भी अच्छे खासे आ जाते हैं, 1-2 लाख। वो आएगी ना, कहेगी कि हम ये फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, आपको इसका करना है ऐड अपने पेज पे और अपनी पेमेंट बता दो क्या होगा, जो भी पेमेंट चल रही होगी मार्केट में, या 30-40 हज़ार रुपये लूँगा, ठीक है, और बताओ। वो कहेगी चलो ठीक है सर, आप कर दो, इनका ऐड भी हो गया इतने कम पैसों में। बल्कि जो कंपनी होती है ना, जो टीवी एड जो बनते हैं, करोड़ों करोड़ों में बनते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कम ही पैसे लेते हैं और कंपनी को उनसे ज़्यादा फायदा होता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फ़ोन को खरीद लेंगे। तो बस ऐसे ही होती है इंस्टाग्राम पे अर्निंग। देखो, मेजरली तो जो ब्रांड प्रमोशन होते हैं ना, उन्हीं से ही अर्निंग होती है। अब जो कोई नॉर्मल सी वीडियो बनाता है उसका आप देखते हो ना, कोई शेयर मार्केट के ऐप होते हैं कि भाई इस ऐप से पैसे कमाओ, या जो बैटिंग वाले ऐप होते हैं जैसे MPL वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में जो छोटी छोटी कंपनियां, ये तो बड़ी कंपनी है MPL, और बहुत सारे ऐप होते हैं बिनोमो करके, क्या नाम, वो कंपनी आ जाती है, देखती है इनके चलो 10,000 के आसपास इनके फॉलोअर हैं, इनको दे देते हैं ऐड, उनका कम में हो गया काम और इन्फ्लुएंसर है उसको थोड़ी सी अर्निंग हो गई। बस ऐसे काम करता है ये वाला मॉडल। और ऐसा नहीं कि भाई इंस्टाग्राम पे लॉन्ग वीडियो नहीं होती तो भाई लोग बाग कम कमाते होंगे, नहीं, अच्छा खासी अर्निंग करते हैं। तो आप जानते होंगे शिवम मलिक के नाम से एक चैनल है, और उनसे है ना, मैं एक सेमिनार जो हुआ था दिल्ली में, जो महात्मा जी टेक्निकल वालों ने करवाया था, मैं वहाँ गया। आया था और मैं उनसे मिला था, मिला कैसे था, मतलब बात बात तो नहीं हुई थी, वे थोड़े से दूर बैठे थे हमसे। अब उन्होंने है ना नीचे आके फोन मांगा कि भाई मैं किसी के फोन में वीडियो बना दूंगा, फोन दे दो। अब भाई किसी ने फोन फेंका नहीं, मैंने ये वाला फोन उठाया और फेंक दिया नीचे, उनको दे दिया, उन्होंने कैच कर लिया, इस फोन से वीडियो बना दी वो, ठीक है। तो बस मतलब उनकी आदत अच्छी है, और उन्होंने है ना मनोज देके एक इंटरव्यू में भी, कोई कोई मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, कोई कोई जिनके 1 मिलियन वेरीफाइड है, वो एक रील बनाने का 10-12 लाख रुपए भी ले रहे हैं, एक रील बनाने का। तो एवरेज एक आइडिया के लिए कितना आप चार्ज करते हो वीडियो का? भाई मतलब 5 लाख से लेके 8 के बीच में कहीं भी घूम जाती है। बताया है कि मतलब उनकी अर्निंग जो गई है ना मैक्सिमम 15 लाख तक भी गई है ना। खैर उनके फॉलोअर्स तो ज़्यादा है, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स जितने ज़्यादा व्यूज उतनी ज़्यादा अर्निंग। इंस्टाग्राम का तो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है ना। और बस ये है इंस्टाग्राम का ओवरऑल क्राइटेरिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं फेसबुक की क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हुई है उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम का तो ओवरऑल यही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।